नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर निर्भया केस से जुड़ी है, जहां कोर्ट ने निर्भया केस के चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब विनय शर्मा, मुकेश शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार सिंह को 20 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। यह चौथी बार है कि दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया गया है। हालांकि दोषियों के वकील एपी सिंह ने इस फैसले को गलत बताया है और कहा है कि अभी उनके पास और भी विकल्प है। एपी सिंह के मुताबिक कोर्ट में मुझसे कहा गया कि मैं आग से खेल रहा हूं, मुझे डराया जा रहा है। इससे पहले दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा खारिज किए जाने के बाद अब चारों दोषियों के पास कानूनी विकल्प नहीं बचे हैं। निर्भया के परिजनों द्वारा कोर्ट में नई याचिका दायर करते हुए चौथी बार चारों दोषियों को डेथ वारंट जारी करने की गुहार लगाई थी। बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट अब तक 3 बार डेथ वारंट जारी कर चुका है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से हर बार डेथ वारंट को टालना पड़ा था। इसी बीच निर्भया की मां आशा देवी ने उम्मीद जताई कि कोर्ट गुरुवार को नया डेथ वारंट जारी कर देगा। उन्होंने कहा कि चारों दोषी सारे कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर चुके हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि कोर्ट आज नया डेथ वारंट जारी कर देगा। निर्भया केस के चारों दोषी मुकेश, पवन, विनय और अक्षय अपने सारे कानूनी हथकंडे अपना चुके हैं, अब उन्हें 20 मार्च को फांसी दी जाएगी। हर जगह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आखिरी दांव के तौर पर दोषी पवन कुमार ने पहले क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की। जब वह खारिज हो गई तो उसके द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगाई गई थी। इस याचिका को भी बुधवार को राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया गया। 16 दिसंबर 2012 की देर शाम दिल्ली में चलती बस में 6 बदमाशों द्वारा निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद उसकी जघन्य हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में मामला चला था। इस दौरान एक आरोपी ने जेल में ही फांसी लगाकर जान दे दी थी। वहीं एक अन्य आरोपी को नाबालिग होने का लाभ मिल गया था। वहीं 4 अन्य आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अब उनको 20 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। देखिए, उम्मीद तो यही है, लेकिन जिस तरह से बार बार फांसी पोस्टपोन हुई है, तो जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि नहीं, हमारा संघर्ष खत्म हो गया है। वैसे जो कल मर्सी खारिज हुई है वो लास्ट मर्सी थी, चौथे की, तो अब ऐसा कोई सरकारी रेमेडी नहीं है जिसके वजह से फांसी पोस्टपोन हो सके। तो कल हम जैसे मर्सी खारिज हुई, कुछ घंटों के बाद हम लोगों ने जाके शाम को अप्लीकेशन लगा दिया है और आज 2 बजे के लिए उनको नोटिस हुई है, उनके वकीलों को 2 बजे का हेयरिंग है, तो आज उम्मीद है कि आज नया डेट वारंट जारी हो जाएगा। अब अंदर से लग रहा है कि अब समस्या नहीं आएगी, अब जिसके लिए आप लोग 7 साल से लड़ रही हैं वो उस रिजल्ट तक, अब मुकाम तक पहुंच जाएंगे। देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि समस्या नहीं आएगी। जिस तरह से फाइनली उनके वकील हम पे ही अटैक कर रहे हैं, तो मायने ये नहीं रखता है कि हमारा बेटा क्या पढ़ रहा है, उनका बेटा यूएस में है, अमेरिका में है, सब अपने अपने उससे करते हैं। लेकिन एपी सिंह ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से वो पूरा फुलबामा या निठारी या सबका तथ्य रख रहे हैं, तो ये भूल जा रहे हैं कि नहीं, जिन मुजरिमों के लिए वो लड़ रहे हैं या पूरा अपना बाहर भड़ास निकाल रहे हैं, तो ये भी तो कहना चाहिए कि उनके मुजरिमों ने भी जब क्राइम ही नहीं किया था, उनके इन मुजरिमों ने, जिनको मासूम बचा रहे हैं कि मासूम हैं, उनके मुजरिमों ने वो निठारी में तो बच्चों को काट दिया था, फुलबामा में तो बम ब्लास्ट हो गया, कहां कहां का दे रहे गोली मार दिया, लेकिन उस बच्ची को तो इन लोगों ने 20-22 फुट की जो आंत होती है उसको टुकड़े टुकड़े काट के निकाल के फेंका है। ये एपी सिंह कहां भूल जाते हैं। तो एपी सिंह की लड़ाई जो है वो नहीं लड़ रहे हैं, एपी सिंह फाइनली हम पे अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि मैं माँ के कहने पे लड़ रहे हूँ, लेकिन आज एक महिला के ही वजह से, आज एक माँ के वजह से वो अपना आपा खो बैठे हैं, अपनी जमीर तक खो बैठे हैं कि लड़ाई के बजाय वो सीधे हमारे बच्चों पे, हम पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन दुनिया देख रही है, समाज देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, वो क्या कर रही हूँ। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।